सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत समेत हादसे में मृत हुए सैन्य जवानों को बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह देश की अपूर्णीय क्षति है। देश के पीएम ने देश की सेना को आधार संपन्न बनाया और उसी का परिणाम था कि देश के पहले सीडीएस के नेतृत्व में सेना ने जवाब देने का काम किया। पूरा प्रदेश शोक की लहर में डूबा हुआ है। जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो देश के पहले हमारे सीडीएस जनरल रावत जी और उनके साथ हमारे जो सभी सैनिक जो शहीद हुए हैं उन सबको आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने हमारे सैनिक प्रकोष्ठ ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये देश को एक अपूरणीय क्षति है। एक ऐसा व्यक्तित्व जनरल रावत जी के बारे में ये कहा जाता है कि इस देश के अंदर आर्मी का आधुनिकीकरण और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को जो अधिकार संपन्न बनाया, सेना को जो अधिकार दिया और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस देश की सेना को दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको अपना निर्णय करने का अधिकार होगा। और उसी का परिणाम था कि जनरल रावत जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आर्मी ने चाहे सेना के हमारे सीमाओं के किसी भी क्षेत्र पर, चाहे पाकिस्तान या चीन या और भी जो इस देश के अंदर हमारे लिए प्रश्न थे, उन सब पर बखूबी अधिकार संपन्नता के साथ जवाब देने का काम उनके नेतृत्व में इस देश की सेना ने किया। और हमें गर्व है जनरल रावत पर और हमारी देश की सेना पर कि उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इतने वर्षों तक किसी प्रकार की जो घटनाएं देश के अंदर होती रहती थी उन सारी घटनाओं पर विराम लगा। तो आज ये देश जनरल रावत जी को और मध्य प्रदेश के साथ उनका जो संबंध है कि मध्य प्रदेश के वो दामाद थे, एक हमारा नौजवान साथी अपने सीहोर जिले का, उनकी भी शहादत हुई है। तो मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश इस शोक की लहर में डूबा हुआ है। जनरल रावत जी को, सभी हमारे उन शहीद सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। और साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके जो परिवारजन हैं जिनके ऊपर इतना बड़ा आघात उनके ऊपर हुआ है, पूरे देश के ऊपर हुआ है, तो पूरे देश के उन सब लोगों को संबल देने का काम भगवान करे। इन्हीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।